ये डेल का पीसी है, ऑप्टी प्लेक्स है, 9020 मॉडल नंबर है इसका, 9020। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये पावर केबल इसकी मैं प्लग इन करता हूँ, बिस्मिल्लाह, ये पावर केबल इसकी प्लग इन की है तो ये चेक करें, ये फ्रंट से ये टर्निंग ऑन हो रहा है, ये चेक करें ऑन हुआ है, बीप दिया इसने साथ ही ऑफ हो गया, दोबारा से ऑन होगा, बीप दिया है साथ ही ऑफ हो गया, यही प्रॉब्लम आ रही है इसको। तो बिस्मिल्लाह ये इसको ओपन किया है, ये चेक करें, काफ़ी डस्टी हुआ हुआ है, ऑन होता है बीप देता है साथ ही ऑफ हो जाता है, यही प्रॉब्लम आ रही है इसको, और इसी प्रॉब्लम में ये पीसी हमें रिपेयरिंग के लिए आया। तो चलें चेक करते हैं इसको, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। दोस्तों अल्लाह के फजल और उसके करम से आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये डेल का पीसी है, ऑप्टीप्लेक्स है, 9020 मॉडल नंबर है इसका, 9020। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये पावर केबल इसकी मैं प्लग इन करता हूँ, बिस्मिल्लाह, ये पावर केबल इसकी प्लग इन की है तो ये चेक करें, ये फ्रंट से ये टर्निंग ऑन हो रहा है, ये चेक करें ऑन हुआ है, बीप दी है इसने साथ ही ऑफ हो गया, दोबारा से ऑन होगा, बीप दी है साथ ही ऑफ हो गया, यही प्रॉब्लम आ रही है इसको। तो बिस्मिल्लाह ये इसको ओपन किया है, ये चेक करें, काफ़ी डस्टी हुआ हुआ है, ऑन होता है बीप देता है साथ ही ऑफ हो जाता है, यही प्रॉब्लम आ रही है इसको, और इसी प्रॉब्लम में ये पीसी हमें रिपेयरिंग के लिए आया। तो चलें चेक करते हैं इसको, लेकिन उससे पहले इसको थोड़ी सी ब्लोर वगैरह लगा लेंगे ताकि इसकी सफाई वगैरह कर लें, फिर ये प्रॉब्लम इसकी जो है ना वो ट्रेस करेंगे, ये प्रॉब्लम किस जगह पर आती है। तो चलें इसको पहले ब्लोर लगाते हैं, सफाई कर लेते हैं इसकी, बिस्मिल्लाह जी ये ब्लोर लगाई है, इसको सफाई हो गई है इसकी, तो यह इसकी डीवीडी उतार लेंगे पहले, डीवीडी उतर गई है इसकी, ये इसकी हार्ड वगैरह ओपन कर लेंगे, ये इसका सीमोस है, सीमोस निकाल लेंगे बाहर, सीमोस बाहर आ गया, अभी ये रैम्स हैं इसकी, दोनों रैम्स ओपन कर लेंगे, तो बिस्मिल्लाह इसको भी जो है ना साफ कर लेंगे ज़रा इसकी रैम स्लॉट्स, अभी ये इसकी रैम्स है तो रैम को चेक कर लेंगे, कार्बन वगैरह तो नहीं है, उसके बाद इसको ये डिम वन में लगाएंगे, तो इसकी डिम वन ये ब्लैक वाली है, ये डिम टू और डिम फोर, डिम टू वाइट वाली, वाइट वाली होगी बल्कि इसकी, ये डिम वन आ गई इसकी वाइट वाली, पीछे अभी इसको वायर्स वगैरह लगा लेंगे, सीमोस इसका बाहर ही रहने देना क्योंकि ये फैक्ट्री सेट होगा टोटल, अभी इसको लगा के चेक करते हैं, ये चेक करें, ये प्रॉपर ऑन हो गया, ठीक है, अभी बीप वगैरह नहीं है, एक से दो दफ़ा ऑन ऑफ होगा ये क्योंकि ये इसका सीमोस जो है ना हमने बाहर निकाला होगा, ये पावर ऑन होगा दोबारा से, ठीक है, दोबारा से ऑफ हुआ है, बीप नहीं है, ठीक है, फिर ऑन हुआ है, दो दफ़ा ऑफ हुआ है, ये तीसरी दफ़ा ऑन हुआ है, तो ये चेक करें, ये तीसरी दफ़ा इसका डिस्प्ले भी शो हो गया, ठीक है, चेक कर लें, तो ये सीमोस का प्रॉब्लम है, सीमोस की जो है ना इसकी वोल्टी चेक कर लेंगे, सीमोस का कि कितने वोल्ट आ रहे हैं इसके, इसके 3 वोल्ट होते हैं, ये चीज़ चेक करें, ये 3 वोल्ट है, नहीं है इसके 1.5 वोल्ट रह गया होगा, तो इसका सीमोस जो है ना न्यू लगा लेंगे हम, फिलहाल लीजिए ये न्यू सीमोस लिया है, तो ये 3 वोल्ट पूरे हैं इसके, ठीक है, 2.5 पे है, 3 वोल्ट पूरे हैं इसके, ये सीमोस इसको लगा लेंगे, अभी ये ऑफ़ करता हूँ मैं, ये ऑफ हो गया, ये दूसरी वाली रैम लगाऊंगा इसको मैं, ठीक है, रैम चेक कर लेनी है आपने, कार्बन तो नहीं है, ठीक है, उसके बाद लगानी है, तो ये दूसरी वाली रैम लगाता हूँ मैं, अभी इसको मैं टर्निंग ऑन करता हूँ,
पावर ऑन हुआ है। चेक करें ये डिस्प्ले इसका शो हो गया, ठीक है। तो अब इसकी ये हार्ड वगैरह की फिटिंग करके इसकी विंडो वगैरह रन करते हैं। डिस्प्ले ने जी ये हार्ड वगैरह इसकी लगा दी है, तो ये टर्निंग ऑन हुआ है, ये इसकी विंडो जो है ना रन हो रही है, तो बिल्कुल ओके हो गया, प्रॉब्लम सेम उसका ही निकला। तो आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।